भाई एक्साइटेड तो हूँ ऑफकोर्स मैं पहली बार आ रही हूँ जीज इन अवार्ड्स में सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल द को आर्टिस्ट परफॉर्म मज़ा आएगा आई थिंक अच्छी रंगीन शाम होने वाली है थैंक यू ये कैसा सवाल पूछ लिया अब मैं बताऊँगी आपको सब गिनवाऊँगी हाउ मच टाइम आई टेक हाँ सो रेडी होने में बहुत टाइम लगता है ऑफकोर्स बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि रेडी होने में टाइम लगे बिकॉज यू गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट हु आर हियर एंड यू आर कमिंग हियर इन फ्रंट ऑफ द होल इंडस्ट्री सो आई थिंक इट्स वर्थ इट बहुत टाइम लगता है एक 3 घंटे लगते हैं मेरा आने वाला अभी बहुत कुछ आने वाला है आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट वंस इट्स अनाउंस्ड बट बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स आने वाली है विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट थैंक यू Japnam thank you How are you Hi बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत वक्त बाद सब मिलेंगे एक साथ and happy to be here and he is like my family my house so अच्छा लगता है and good to see The awards back again. Yeah, very excited to see everybody back again and the awards again. Yeah, very very excited. Hey, अभी जी के साथ एक फिल्म आ रही है बाप, जिसमें तो we're producing it. तो वो आएगी गदर के बाद. And the direction starting in October. बाप. क्या बात है यार, क्या बात है. कैसा भाई दुनिया का सबसे मेहनती आदमी तू ही है अमेजिंग यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ मेरी आवाज़ भी बैठ गई जब भी ऐसे कुछ पुरस्कार होते हैं इंडस्ट्री को नवाजा जाता है तो अच्छी बात होती है एक आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस तो हम लोग उसी चीज़ का खोज करते हैं और ऐसे माध्यम के जरिए मिल भी जाता है तो ये बहुत बढ़िया इवेंट्स होते हैं और एक इंडस्ट्री इकट्ठे भी होती है तो बहुत मज़ेदार होता है मैंने सुना है वरुण धवन अभी कुछ परफॉर्म करने वाले हैं तो शायद क्योंकि उनकी बारी आने वाली है सबसे बेसब्री से उन्हीं का इंतज़ार होगा यार बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं फाइटर है गैसलाइट है कोरी एक प्रेम कथा है वर्चस्व है 5-6 ऐसी फिल्में हैं आई एम वेरी एक्साइटेड यार इट फील्स लाइक मैंने इतनी सारी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिल रही हैं और आज मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ तो मैं सिर्फ लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ तो मैं बड़े ईमानदारी से बोलता हूँ नहीं तो मैं बोल भी सकता था मैं नॉमिनेटेड हूँ लेकिन नहीं हूँ मैं आज मैं सिर्फ सपोर्ट करने आया हूँ दोस्तों को थैंक यू ब्रो हाँ जो ऑर्गेनिकली आता है वो कर लेते हैं थैंक यू चल भाई
चलो 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 वेल बहुत दिनों के बाद ऐसे ओपन ग्राउंड्स में अवार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है वापस जी से नए अवार्ड्स आके। मैं पहले बहुत बार जीत चुकी हूँ जी से नए अवार्ड्स और इस बार नॉमिनेटेड हूँ, सो फील्स रियली नाइस। धाकड़ का रोल मेरे लिए बहुत खास है रोहिणी का, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस, बट आई एम जस्ट हियर टू एन्जॉय द इवेंट। कितने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, अभी तो ऐसे एक परफॉर्मेंस कह ही नहीं सकते, यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स। मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, सो नॉर्मल डे। हाँ या है तो नॉमिनेशन, बहुत शुक्रिया उसके लिए, या देखते हैं। आयान की परफॉर्मेंस को लेके नहीं इस साल बहुत फिल्में नहीं देखी है, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा, सॉरी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आई एम द फर्स्ट गेस्ट टू अराइव, आई एम वेरी अर्ली। हेलो 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 मैं आपका नाम भूल गया, अरुण, अरुण ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में जो मैंने पहले कहा, एक्चुअली वही सिचुएशन है। हम फिल्म पे मतलब जोरदार काम कर रहे हैं, कम टेक ओवर, आई हैव टू गिव बाइट्स बट आई विल बी कॉन्शियस गिविंग बाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ब्रह्मास्त्र 2 पे काम, स्क्रिप्ट पे काम बहुत जोरों से चल रहा है, वी आर वर्किंग हार्ड, but when the right time comes we'll speak more about the project. Main abhi jaake aau, Shahid is here now, let Shahid take over and I will leave. बहुत खुशी है और आई मीन फर्जी को 2 साल बनाया हम लोगों ने, कोविड की पहली वेव, कोविड की दूसरी वेव, दोनों को हमने हैंडल किया और बहुत वक्त लगा शो बनने में, बहुत सारे लोकेशंस थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि शायद हिंदुस्तान में अच्छा करेगा,
but internationally it was number one. Globally, that was huge. I mean, I was shocked when I saw that. I was like, this is just amazing love. I think zamana wahi hai aajkal ki agar koi cheez achhi hoti hai to log bahut zyada pyar dete hain aur agar achhi nahi hoti hai to matlab 2 minute mein log usko drop kar dete hain. So I think wo jo beech ka situation tha ki you know theek thaak cheeze chal jati thi, I think ab wo zamana chala gaya hai. Ya aap first aate ho ya aap last aate ho, to stakes are always very high. Aur mera OTT debut tha Farzi, so I'm very proud of the entire team. Main iska credit akele nahi le sakta because bahut logon ki mehnat hai. लेकिन हाँ, मैंने पहली बार OTT पे डेब्यू किया और उसको इतना प्यार मिला, मुझे इसकी बहुत खुशी है. और ये भी रियलाइजेशन है कि आज की तारीख में OTT प्लेटफॉर्म की जो पहुँच है वो बहुत ज़्यादा है और उसको सीरियसली लेना चाहिए. फिल्म एक्टर्स को भी उसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं. और बहुत प्यार मिला मुझे, तो आई रियलाइज़ कि सच में बहुत पहुँच है OTT प्लेटफॉर्म की. जी या फर्जी सीज़न 2 आई एम श्योर होगा, लेकिन इन चीज़ों में वक्त लगता है, डेढ़ दो साल लगते हैं क्योंकि शो ख़त्म होने के बाद एक साल लगता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि वो उसको आई थिंक कुछ 35-40 लैंग्वेजेस में डब करते हैं और 200 कंट्रीज़ में रिलीज़ करते हैं. तो जब शूट होगा उसके एक साल बाद रिलीज़ होगा, तो आई थिंक डेढ़ दो साल तो हैं फर्जी सीज़न 2 में डेफिनेटली. यार मुझे ना लोग आर्टिस्ट बोल रहे हैं है ना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से मुझे आर्टिस्ट ही बनना था. सो आई फील वेरी हैप्पी और या आई एम वेरी हैप्पी मैन. पता नहीं, वो तो राज इंडिके को लिखना पड़ेगा. इतना पता है कि बहुत प्यार मिला है, तो आई एम श्योर होगा. और फिर वो सुनाएंगे, जब वो सुनाएंगे फिर हम बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन आई एम श्योर इट विल बी ऑन द एजेंडा. आई एम श्योर. यस यस आई एम परफॉर्मिंग. यस ये असली है कि नकली है? अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ. हाँ ये आदमी पैसा तो सिर्फ बहाना था, फर्जी में एक्चुअली असली इंसान और नकली इंसान के बारे में बात हो रही थी. यार मुझे तो दोनों असली लग रहे हैं ना? ये जैसे राशि खन्ना मुझसे उस सीन में पूछ रही थी ना, कौन सा असली कौन सा ये, वो कर रहा है. Yes, I have a film with Ali Abbas Zafar. That's an action film. वो आएगी इसी साल आएगी. And then I'm doing a film with Madhuk, with Kriti Sanon. वो भी इसी साल आएगी. So I have two more releases this year. The first film is an action film with Ali, and this is going to be a high concept, romantic, quirky, comedy, something like that. Thank you, guys. अवार्ड्स है और वैसे मैं जिस फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ मराठी इंडस्ट्री, हमारे मराठी इंडस्ट्री में तो जी के अवार्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज लोगों के साथ नॉमिनेटेड हूँ. बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए तो सर्कस के लिए नॉमिनेशन है और लाइफ का पहला नॉमिनेशन है हिंदी फिल्म के लिए, तो एक्साइटमेंट बहुत है. लेकिन इसका सारा श्रेय जाता है रोहित सर को और संजय सर है, अर्शद वारसी सर है, तो अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट बहुत है. फर्स्ट टाइम पहला बहुत स्पेशल होता है यार, मेरे लिए बहुत स्पेशल ये चीज़. सर हम लोग थिएटर बैकग्राउंड से और हम लोग टेलीविजन से आए, तो हमारे लिए जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए. जैसे जी मराठी है और जी, जैसे मैंने बोला कि मैं थिएटर से हूँ, तो जी रीजनल थिएटर एक्टर्स के लिए ना वन एक्ट प्लेस ऑर्गेनाइज करते थे, तो हम वहाँ से आए हुए हैं. तो जी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जी सिने अवार्ड्स तो स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है और एक्साइटेड हूँ भाई, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ.
हाँ थैंक यू थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। स्टाइलिश का है सब, मेरा कुछ नहीं है सर, एक्साइटमेंट तो ये अवार्ड शो की। थैंक है, बाद में पता चलेंगे, लेकिन अभी एक्साइटमेंट ये अवार्ड की है। हो गया, हाँ सॉरी, देखते हैं अभी, अभी तो फिलहाल तो सर्कस सर्कस मोड़े। थैंक यू यार, बिल्कुल रेड कारपेट से मैचिंग पहन कर आया हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत मज़ा आया, और पिछले 3-4 दिन से 5 दिन हो गए मैं यही हूँ, और कमाल कमाल की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, और स्टेज और अलग तरह की कॉमेडी की है, तो बहुत मज़ा आया इस बार जी सिने अवार्ड्स में। इसकी परफॉर्मेंस रानी मुखर्जी इन मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो इन्होंने बनाया है, तो हम लोग सिर्फ उसके लिए आए हैं। परफॉर्मेंस तो सिर्फ मुझे वो पता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जी सिने इज हैपनिंग इन पर्सन, सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। Is always good, and after a long time such a large celebration of films cinema is happening. I'm looking forward to very excitedly being here this evening presenting some awards, and also dekhte hain kaun jeetta hai, best actor, best actress. All the very best to the entire team of Zee. Samajh gaye bhai? बेहद खुशी हो रही है, इतने सालों बाद दोबारा पूरी इंडस्ट्री सेलिब्रेट कर रही है एक साथ। वेरी वेरी हैप्पी ऑल्सो, हमारा एल्बम नॉमिनेटेड है, हमारा गाना अपना बना ले नॉमिनेटेड है, हमारा बैकग्राउंड स्कोर नॉमिनेटेड है, तो हम बहुत अच्छा है। या बहुत एक्साइटेड हूँ, जी सिने अवार्ड्स हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स में से आता है, और मेरी फिल्म नॉमिनेटेड है द कश्मीर फाइल्स, मैं नॉमिनेटेड हूँ, अनुपम जी नॉमिनेटेड हैं, तो हमारी कास्ट नॉमिनेटेड है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबके लिए, और यहाँ आना हमेशा एक गर्व की बात होती, सो दैट्स ग्रेट। या वो हमेशा रहती है। देखिए जी, एज एन एक्टर तो हमेशा
रहती है एक्सपेक्टेशंस की, हमने अच्छा काम किया है, लोगों ने काम को सराहा है, तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. थैंक यू. हाँ जी, अभी कागज 2 कंप्लीट किए मैंने, जिसमें अनुपम खेर सर हैं जो मेरे, और नीना गुप्ता जी हैं, सतीश कौशिक हैं. ये एक सोशल मुद्दे पे फिल्म है और कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो जल्दी रिलीज की डेट अनाउंस करेंगे इसके बारे में. कागज पे बहुत कुछ लिखा है, एक सोशल मुद्दे पर है, बहुत जल्द आपके सामने आएगा. हाँ, एक बहुत प्यारा मैसेज है, वो आपको जल्दी मिलेगा. थैंक यू, थैंक यू. Keep coming.